है बैग बिना। हाँ पहले सामने फिर पहले माड़ी दार मारो ना कैमरा, इस तरह करो ना कि हाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका मेज़बान सीके का न्यूज़ का मेज़बान आपके सामने हाज़िर खिदमत मोहम्मद इफ्साह शमसी। हम इस वक्त मैन बाज़ार कोहटा में हैं। ईद की आमद आमद है, ईद का ऐलान कर दिया गया है। आज माशाल्लाह गहमा गहमी है बहुत ज़्यादा, वो देख रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा है। मैं अपने एक प्यारे भाई के पास हूँ खड़ा, और वो इस वक्त चादरें और फूल लेकर खड़ा है। मैं उससे पूछूँगा कि आप कुछ कहना पसंद करेंगे। ईद आ गई है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। बंदा थोड़े इनसे बात नहीं हो रही है, घबरा गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, किसी और को देखते हैं हम। घबराना नहीं चाहिए आपको। ईद कैसी महसूस कर रहे हैं आप? ईद ईद में इंजॉय करें सब, और ये देखो कितनी रश बची हुई है बाजार में, और यही मैं कुछ नहीं कहना चाहता। माशाल्लाह जी, लेकिन ये है कि ये बात कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, आज हम इंशाल्लाह ईद को एंजॉय करेंगे। सुबह ईद है तो आप ईद खुशी से मना रहे हैं? जी जी। क्या बोल रहे हो? जी हम खुशी से मना रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आएँ जी ज़रा देख चलते हैं, एक मिनट आएँ आगे। ये चलते हैं जूतियों वाली की तरफ, ये जूतियां लेकर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तैयार साहब अस्सलाम वालेकुम। आज ईद सुबह ईद का ऐलान कर दिया गया है, तो इस हवाले से आप कुछ कहना पसंद करेंगे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रोज़े रखने की तौफीक दी है। तो ये भी ईद का अभी चांद रात है, लेकिन यह है कि हमको उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो कल तेरा हादसा में शहीद हुए हैं, और कोरोना का जो मसला बना हुआ है इस सिलसिले में भी हमको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब लोगों पे इस रमज़ान के सदके, अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान पे रहम करे, और हम लोगों पे सबको जो है वो साथ गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए इस मौके पे, कि उनको भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि इस मुल्क में जो है हम जो हैं वो हिला गए हैं। ठीक है, गरीब लोगों को भी हमको साथ रखें। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है जी। इस वक्त कोरोना का भी मामला ऐसा चल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान भी कोरोना की तरफ बड़ी तवज्जो दे रही है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। माशाल्लाह इस वक्त बाज़ार में गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हुए हैं माशाल्लाह। तो आगे और लोगों से जो है ना बात करते हैं। इफ्तिखार ओरी साहब अभी तक नहीं आए, बस आओ एक सामने घूमने जी। माशाल्लाह ये आसफ जट साहब की तरफ आए हैं हम, इसरार साहब भी हैं साथ। आसफ भाई माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख लें वो आसफ भाई भी भाग रहे हैं, क्या वजह है? ये देखें गहमा गहमी, इसरार भाई भी लगे हुए हैं सारे। ये मोहिन, आपका क्या नाम है? आशीर। आप कुछ कहेंगे ईद के हवाले से? कोई नहीं। क्यों शर्मा रहे हैं आप? चले जी चलते हैं थोड़ा सा आगे और। हाँ पप्पू भाई आप आए ज़रा, ईद के हवाले से और कोरोना के हवाले से जो पाकिस्तान की इकदाम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह कोरोना अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान सारे महफूज रहेंगे, अल्लाह सबको इंशाल्लाह सेहतमंद करेगा जो बीमार हैं उनको। हमारे हमारी दवाइयों के साथ हैं, हमारी दवाइयों के साथ हैं, दिल से भी दिमाग से भी हर चीज़ से। और कुछ सवाल करें तो माशाल्लाह आप जो गहमा गहमी आप ईद से मुतमईन है कि ईद ठीक हुई है? इंशाल्लाह ठीक हुई है, ईद ठीक हुई है, ठीक है, अपने वक्त पे हो गया ईद माशाल्लाह जी। ये पप्पू भाई बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। ज़रा ये आवाम की तरफ मोटरसाइकिलों की तरफ कैमरा लगाएं, देखें कोहटा में गहमा गहमी और देखें हालात पक्ष मतलब के कैसे जा रहे हैं। आ जाएं, इसको फ्रंट कैमरा कर लें। हाँ
माशाल्लाह जी देख लें हालात इस वक्त कोरोना का भी ख़तरा है और माशाल्लाह इंतज़ामिया भी हरकत में है सारी और माशाल्लाह जो इकदाम किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे किए हैं और अल्लाह का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से बड़ा अल्लाह का एहसान रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसे काबू किया है। इफ्तिखार गौरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ ज़रा क्योंकि इस वक्त CK न्यूज़ लाइव ट्रांसमिशन कर रही है। माशाल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम जी इफ्तिखार गौरी साहब, ये ज़रा बैक कर ले कैमरे को ज़रा। तो इफ्तिखार गौरी साहब ज़रा आप इजहार ख्याल करें अपना। जी सर मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब मोहम्मद अफजाल शमसी साहब आपका कि आपने ये ईद की जो चांद रात है आज ईदुलफ़ितर की चांद रात है आप लाइव हुए हुए हैं और आप लोगों को देख रहे हैं कि कैसे वो खुश हैं तो मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर और माशाल्लाह आपने अपने चैनल से भी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो की माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। ईमान की शमा रोशन की उलमा इकराम को बुलाया और सबको जो है आपने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और ख़ुसूसी तौर पे आपने जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें सबसे जो अच्छा नाम है सबसे बढ़कर जो नाम है जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब का आपने उनको भी मदऊ किया। उनके मैंने दोनों प्रोग्राम देखे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और आखिरी प्रोग्राम आपने जो दिखाया वो बहुत ही अच्छा था तो मैं चाहूँगा कि आप यही क्वेश्चन जो है वो जारी रखें। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी गहमा गहमी है लेकिन मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर हजरात और महकमा हेल्थ ने जैसे कहा है कि SOPs को फॉलो करें। जब आप SOPs को फॉलो करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप ग्लव्स जो हैं वो भी पहने, मास्क जो है उसका भी इस्तेमाल करें और जो है एक जो मुकर्रर करदा फासला है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंस रखें ताकि जो है कोरोना के हवाले से हम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी इख्तियार कर सकें। बहुत शुक्रिया जनाब अफजाल साहब। एक सवाल करना था आपसे, जो मलक मनीर साहब ने बड़े आसान अंदाज से आवाम की खिदमत की है, मलक मनीर आवाम साहब के हवाले से कोई मैसेज दें, कोई पैगाम दें कियानी साहब के हवाले से भी और ख़ास कर प्रेस क्लब के हवाले से जो माशाल्लाह। और एक और भी सवाल साथ साथ करता चलूं, ये जो आपने पूरा माह ये ट्रांसमिशन की है, क्या नाम है जी, रमज़ान ट्रांसमिशन, इसके हवाले से भी बात करें थोड़ी सी। जी शमसी साहब मैं इसलिए नहीं बात पहले मैं नहीं करना चाह रहा था कि काफ़ी दिनों से हम जो हैं वो ऑनलाइन हैं और लोगों के सामने हैं, मुसलसल हमने एक महीना जो ट्रांसमिशन किया है रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं बिलाशुबा आप भी इस बात को मानेंगे कि कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर की ट्रांसमिशन जो है वो सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन थी और दुनिया ने उसको बड़ा पसंद किया। दुनिया इसलिए कह रहा हूँ कि हमें फीडबैक जो है मुख्तलिफ ममालिक से भी आता रहा है तो जो आपने कोशिश की है CK ये जो है हमारे प्रेस क्लब के अंडर ही आता है माशाल्लाह। जी हमारे जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर के हवाले से हों या CK के हवाले से हों या जो है और भी जितने अब आने वाले वक्तों में जो हम सोशल मीडिया चैनल्स वो शामिल करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी कोशिश है। और प्रेस क्लब के हवाले से मैं इमरान ज़मीर साहब को और जनाब असर हुसैन कियानी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन करवाने में हमारा साथ दिया और खसूसी तौर पर इमरान ज़मीर साहब ने जो है अभी नया जो अपना स्टूडियो है वो उन्होंने इंस्टॉल किया, उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी पिक्चर क्वालिटी, उसकी वीडियो क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ आपने ये सवाल किया जनाब मलक मनीर आवान साहब का, वो तो आप कह सकते हैं कि वो हमारे इलाके के जो हैं वो ईदी हैं और उनका ने अपनी ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल वक्फ की हुई है इसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए और आप आए दिन देखते हैं कि वो हर महीने के हिसाब से गरीब लोगों के घर में जो है खाना दे रहे हैं और ख़ुद तौर पर ईदुलफ़ितर के हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़कात और फितराना जो है वो पटवारा वेलफेयर ट्रस्ट को दें ताकि मलक मनीर आवान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हों और वो इस जो सोशल वेलफेयर का काम है उसको बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चल सके। अच्छा वो एक और भी आपसे सवाल था माशाल्लाह आपने बड़े आसान अंदाज से सारे मामलात किए हैं और ये बताएं जो कोरोना के हवाले से मलक मनीर साहब ने एम्बुलेंस का मामला किया उसके बाद जनाब राणा गुलाम मुर्तजा साहब की एक्टिव हाँ जी हेल्थ के हवाले से TMO के हवाले से भी बात करें जनाब मखदूम बिलाल साहब के हवाले से भी। अच्छा कैन साहब माफ़ चाहता हूँ शमसी साहब आपने मुझे अभी याद दहानी करवाई, मैं महकमा हेल्थ का बेहद मशकूर हूँ खसूसी तौर पर जो हमारे फोकल पर्सन है जावेद सुमरो साहब और जनाब अब हमारे जो राना गुलाम मुर्जा साहब जो हैं और इनके साथ साथ हमारे जो DDHO जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जो है काम जो है वो लेकर चले महकमा हल्के वाले से और इन सबको लीड कर रही हैं हमारी असिस्टेंट कमिश्नर जो नई अभी तैनात हुई हैं यहाँ पे लेकिन उन्होंने बड़े कम वक्त में जो है जी हाँ उनका नाम है मेरा राबिया सयाल नाम है उनका जी हाँ उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी तो उन्होंने कोरोना के हवाले से बड़ी एहतियाती तदाबीर जो हैं इख्तियार करने में अवामी इलाका का बड़ा साथ दिया और खसूसी तौर पर रमज़ान वर्ग में ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन भी लिए और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अवामी इलाकों को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की। और दूसरा और का सवाल क्या था, वो
हेल्थ के हवाले से जी हम बिलाल साहब, हाँ जी ये मलक मुनीर अवान साहब की जो एम्बुलेंसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंस जो हैं वो कोरोना के मरीजों को यहाँ से पिंडी शिफ्ट करवाने में और उनके टेस्ट करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। और गुनागुन मसरूफियात होने के बावजूद उनकी एम्बुलेंसें नॉर्मली बिजी होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तमाम एम्बुलेंसों को जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से या कोरोना के मरीजों के लिए उन्होंने वक्फ किया हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है उनकी। बहुत शुक्रिया जी गौरी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। या फैज़ान साहब से भी कोई दो? जी हाँ, यहाँ हमारे वो फैज़ान जंजुआ साहब भी बैठे हुए हैं, कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के एडमिन है और प्रेस क्लब कोटा के मेंबर हैं। तो मैं चाहूँगा शमसी साहब आप खुद ही उनसे सवाल करें। माशाल्लाह जी फैज़ान साहब, माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खुशी हुई जी आपने माशाल्लाह पूरा महीना जो है बड़े अच्छे तरीके से साउंड ऑपरेट किया और कैमरा मैन के सर फ्राइज सर अंजाम दिए, इसके हवाले से कुछ आप बात करें। शुक्रिया जी इफ्तिखार अहमद गोश, शुक्रिया जी अफजाल शमशेर साहब। सबसे पहले अहले मुसलमान को दिल की अतागरियों से ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। और शमशेर साहब आपकी ट्रांसमिशन बड़े काबिल, बहुत ही अच्छी है आपने ट्रांसमिशन की है, दिल की अतागरियों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीके न्यूज़ की टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ कोई दो एक खूबसूरत सा कलाम सुना दे। मत छेड़ सबा मुझे को भी जख्म करे हैं, मत छेड़ सबा मुझे को भी जख्म करे हैं, ऐसा नागो पीर गसे निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया सीके न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अहले मुसलमान को दिल के आतागरियों से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी फैज़ान साहब। इसी इन खेला इसके साथ ही मोहम्मद इफ्साद शमसी सीके न्यूज़ से इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।